हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? सो थैंक यू सो मच आप लोग होली वाले व्लॉग जो इतने अच्छे पसंद किए हम लोगों के। होली जा चुकी है, अभी भी हमारे घर में फेस्टिवल्स का सीजन जो है वो जा नहीं रहा है। तो पहले आप सबसे पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, वहाँ पे जो बटन है उसको हिट कर दो और नोटिफिकेशन बटन जो है उसको भी ऑन कर दो ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत आ जाए। सो आज है मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी, तो आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी। वैसे मम्मी कह रही है मैं व्लॉग में नहीं आऊँगी, क्योंकि हुआ क्या था, ये गाड़ी जो है इसी गाड़ी में मम्मी बैठी हुई थी और ये पापा ऐसे गाड़ी रैंप पे चढ़ा रहे थे। तो रैंप पे चढ़ाते हुए क्या हुआ कि गाड़ी तो चढ़ा दी पापा ने रैंप पे, लेकिन फिर क्या मम्मी ने ऐसे धक्का दिया और उतरने की कोशिश कर रही थी, और जैसे ही उतरने की कोशिश करने लगी वो गेट जो है वापस आके लगा, तो मम्मी के यहाँ पे बहुत जोर से चोट लग गई और ये जो पूरी आंख है ये ऐसे स्वेल हो गई थी, काला हो गया था। तो मैंने दवाई दे दी है, थोड़ी ठीक हो गई है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग इंजॉय करेंगे। मम्मी को बोलते हैं, मम्मी ने बड़ा सा काला चश्मा लगा रखा है, बहुत सुंदर लग रही है मम्मी। फिर भी चलो, मैंने मम्मी पापा का वैसे गिफ्ट तो ले लिया है, आज मैंने ले आया हूँ। सो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं, एंजॉय शुरू करते हैं आज का। बारिश हो रही है तेज, उस दिन भी हुई थी जिस दिन हम लोग पार्क करा रहे थे, और होली वाले दिन भी बारिश हुई थी तेज, और आज देखो फिर से बारिश हो रही है तेज, इतनी तेज बारिश हो रही है पूछो मत, पता नहीं कैसे एंजॉय करेंगे हम आज के लिए। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं नीचे, मम्मी पापा, और ये रही केक, और अब हम लोग केक कट करने वाले हैं दादा दादी का शौर्यवीर, क्योंकि इसको लिखवाया भी दादा दादी है शौर्यवीर। ओके काट रहे, सॉरी काट काट के दे रहे, खिला देंगे। देखो शौर्यवीर को कैसे दादी की एनिवर्सरी का केक जाने हमारा, ये तो हमारा प्यार है, बाकी तो ये गिफ्ट शौर्यवीर ने दिया है दादा दादी को। हमारे दर्शकों को भी दिखा दो, थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी एनिवर्सरी, बहुत हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, क्लैप करते शौर्यवीर। गाइस हम लोग आ गए हैं लाइट हाउस, ये है पार्क क्लासिक होटल, और यहाँ पे आयुषी और मेरी इंगेजमेंट हुई थी बहुत टाइम बाद। मम्मी पापा को बता दो, शौर्य यहाँ पे मम्मी पापा की सगाई हुई थी, इंगेजमेंट। और ये लाइट हाउस जो है अभी खुला है, पहले यहाँ था नहीं, ये अब खुल गया है यहाँ पे, तो हम लोग पहली बार यहाँ पे इंजॉय करेंगे। तो गाइस यहाँ पे मुझे मिल गया है मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त, ये है बहुत शानदार डीजे, और वी आर ग्रेटफुल कि आज ये प्ले करने आ रहा है। बताओ सर अपने बारे में कुछ, क्या बताओ, आप ही बता दो, आप क्या और क्या बता सकते। डीजे वीरेन और बहुत अमेजिंग प्ले करता है, कॉलेज टाइमिंग में हम लोग जब थे तो हम लोगों की जितने भी म्यूजिक हुआ करते थे सारे ये मिक्स किया करता था, और इतना अमेजिंग प्ले करता है कि अभी आप सुनना चाहते हैं। Yo, 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 yo
टॉप से आप यहाँ से पूरा जयपुर का नज़ारा देख सकते हैं और यू कैन इंजॉय, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। अंधेरे में कोई दिख नहीं रहा है, ये बेटा शौरी भी, मम्मी पापा, ये ऊपर एक और टॉप फ्लोर है, यहाँ से तो भाई साहब पूरा जयपुर दिखाई दे रहा है, क्या क्या नहीं दिख रहा है यहाँ से तो। आयुषी भी ऊपर आ गई है, पूरा जयपुर दिख रहा है। पहले हम लोग जब हम लोगों की एनिवर्सरी मतलब एंगेजमेंट थी हम लोगों की, तब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, चांद भी बड़ा प्यारा लग रहा है। और ये सुपर रूफ टॉप है, सुपर रूफ टॉप। और सबसे अच्छी बात लाइट हाउस की कि मेरा जूनियर भी मिल गया, तो उसने हमें अच्छे से अटेंड कर लिया यहाँ पे। थैंक यू सो मच वीरेन, ये जो है पूरा लाइट हाउस बना रखा है इन्होंने, पूरी ऊपर तक लाइटें जा रही हैं, यू कैन सी। वीरेन मेरा जूनियर है और ये है मिस्टर देवान। अभी यहाँ पे आप जितने भी गाने सुने और इट्स अमेजिंग, इनका एक बैंड है प्रयोग, प्रयोग करके, सो प्लीज फॉलो देम इंस्टाग्राम प्रयोग म्यूजिक। सॉरी वीर, क्या करवा रहे हैं? गेट खुलवा रहे हैं दादी से। सॉरी क्या करवा रहे हो? तो गाइज आज सोचा नहीं था कि इतना इन्जॉय हम लोग करने वाले हैं, आज खूब इन्जॉय किया हम लोगों ने लाइट हाउस के अंदर, जहाँ पे हम लोगों की इंगेजमेंट भी हुई थी। तो उसके बाद में फिर वहाँ पे मुझे मिल गया मेरा जूनियर वीरेन। वीरेन बहुत अमेजिंग डीजे है और बहुत बहुत अच्छे अच्छे वो प्ले करता है। और इसी के साथ में उसके बाद में हम लोग पूरा म्यूज़िक इन्जॉय करने के बाद में मुझे लगा था कि आवाज़ मेरी कहीं सुनी हुई है, तो मेरा ही दोस्त मुझे मिल गया देवांग। देवांग का एक बैंड है प्रयोग, बहुत अमेजिंग वो वहाँ पे प्ले करता है और बहुत अमेजिंग मतलब जयपुर में सभी जगह वो लोग प्ले करते हैं। और ये दोनों के दोनों जो मेरे फ्रेंड्स मुझे मिल गए, तो ये कह सकते हैं कि आप खूब इन्जॉय हम लोगों ने इनके साथ में मिल के भी, बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत सालों बाद में हम लोग मिल रहे हैं। और थैंक यू सो मच गाइस कि आपने इतना अच्छा प्ले किया और इतना अमेजिंग हमारी नाइट को कर दिया, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ में मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी थी, तो खूब इन्जॉय किया हम लोगों ने एनिवर्सरी को। लेकिन क्या है, बस थोड़ा सा शौर्यवीर और आयुषी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, बस इसी वजह से हम लोग कंसर्न है। तो और भी कुछ नई नई चीज़ें आ गई हैं, वो भी हम आपके साथ में अभी डिस्कस करेंगे आने वाले व्लॉग्स में। तो इस व्लॉग को हम लोग यहीं एंड कर रहे हैं, आप प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कर दो, क्योंकि आपको नए नए आपको नोटिफिकेशन आते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, गुड नाइट।